क्या दक्षिण अफ्रीका पहनेगी नंबर वन का ताज? जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। विश्व कप में अब तक शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका ने विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका अब मंगलवार यानी कि आज नीदरलैंड पर शानदार जीत दर्ज कर अपनी स्थिति और मजबूत करने उतरेगी। पिछले दो मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने दिखा दिया कि इस बार वह चोकर्स यानी दबाव के आगे घुटने टेकने वाले का ठप्पा हटाने के इरादे से आए हैं। दिल्ली में पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 428 रन का रिकॉर्ड बनाने के बाद उन्होंने 102 रनों से जीत दर्ज की। इसके बाद लखनऊ में 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम जहां अपने रसूख के अनुरूप नहीं खेल पा रही है, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने हर विभाग में दमदार खेल दिखाया है। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज राशि वान डेर हुसैन और एडन मार्करम ने प्रभावित किया है। तीनों ने श्रीलंका के खिलाफ शतक जमाए, जबकि हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर ने उपयोगी पारियां खेली। श्रीलंकाई बल्लेबाज के सामने उनके गेंदबाज उतने प्रभावी नहीं रहे, लेकिन अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वापसी की। डिकॉक ने लगातार दूसरा शतक जमाया, जबकि गेंदबाजी में मार्को जैनसन और कसिगो रबाडा प्रभावशाली रहे। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 177 रन से जीता। नीदरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की नजरें बड़े अंतर से जीत दर्ज करने पर होंगी। नीदरलैंड ने T20 विश्व कप 2009 में इंग्लैंड को लॉर्ड्स पर हराकर उलटफेर किया था। स्कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली टीम उस जीत से प्रेरणा लेना चाहेगी, लेकिन T20 और वनडे क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे क्रिकेट में चमत्कार होते हैं और दिल्ली में हाल ही में अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराकर इसका सबूत पेश किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड की हेड टू हेड बात की जाए तो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड की टीमें आज तक वनडे फॉर्मेट में 7 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 6 बार मुकाबला जीता, वहीं एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के टाई रहा। वहीं अगर बात करें वनडे वर्ल्ड कप की तो इसमें दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई, जहां तीनों मैच साउथ अफ्रीका ने ही जीता है। दोनों टीमें इससे पहले वर्ल्ड कप का 2-2 मुकाबला खेल चुकी हैं। श्रीलंका को अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में 5 बार के विश्व विजेता कंगारू को पटकनी दी और दूसरा मैच भी जीत लिया। वहीं नीदरलैंड लगातार 2 मैच हारी है, पहले मैच में पाकिस्तान तो दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने धूल चटाई। अब ऐसे में नीदरलैंड को अपने पहले जीत की तलाश है। जहां आप नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका से पार पाना आसान नहीं होगा। अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के टीम में जिस तरीके से टेम्बा ओमा जो उनके कप्तान हैं, गोराल्ड कोटेजी, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेनरिक्स, मार्को यांसन, यानी कि नाम जो हैं उस नाम के हिसाब से इस वर्ल्ड कप में वो कारनामे भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा एडन मार्करम ने सेंचुरी जड़ी, वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी उन्होंने लगाई। क्विंटन डिकॉक लगातार 2 शतक लगाए, यानी कि बेहतरीन फॉर्म में है, उनके गेंदबाज भी अच्छे लय में दिख रहे हैं। अगर बात की जाए नीदरलैंड के खिलाड़ियों के, चाहे स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कप्तान हैं या मैक्स ओडाट या बास डी लीडे विक्रम सिंह, तो वो दमखम उनके अंदर दिख रहा है। लेकिन आज के मैच में, जो आज मैच 2 बजे खेला जाएगा, इस मैच में नीदरलैंड को अगर बड़ा करिश्मा करना है, बड़ा उलटफेर करना है, तो इस मैच में विक्रम सिंह का और स्कॉट एडवर्ड्स का चलना बहुत लाजमी होगा। यानी कि अगर नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज करनी है और वर्ल्ड कप का दूसरा उलटफेर करना है, तो नीदरलैंड के प्लेयर्स को जमकर रन बनाने होंगे, हर विभाग में अच्छा करना होगा, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। ऐसे में सबकी निगाहें केवल विक्रम सिंह पर टिकी होंगी, क्योंकि विक्रम सिंह भारतीय मूल के हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और वो नीदरलैंड की तरफ खेलते हैं। हालिया फॉर्म उनका बहुत बेहतरीन है, वो अपने बल्ले से और गेंद से दोनों से करिश्मा दिखा सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबर के लिए और रिकॉर्ड के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।